वहीं भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम तालाब को सौंदर्यकरण करने का प्रस्ताव पारित हो चुका है, जिसके बाद निगम अधिकारियों एवं महापौर विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी लगातार तालाब का दौरा कर रहे हैं। भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम तालाब को एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। यह तालाब परिसर लगभग 22 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके सौंदर्यकरण करते हुए इसे एक पर्यटन स्थल बनाने के लिए कवायतें शुरू हो चुकी हैं और लगातार निगम महापौर सहित निगम आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों के दौरे लगातार जारी हैं। बुधवार को निगम महापौर एवं निगम आयुक्त ने संयुक्त रूप से रामनगर मुक्तिधाम तालाब का निरीक्षण किया और जाना कि तालाब के सौंदर्यकरण करने की दिशा में किया जाने वाला कार्य किस तरह से संचालित हो रहा है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए अन्य अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। इस तालाब में बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी और भरपूर प्रकाश व्यवस्था के साथ वातावरण को शुद्ध रखने के लिए वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कर तालाब परिसर को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री वॉल बनाए जाएंगे और इन बाउंड्री वॉल पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाती हुई पेंटिंग भी की जाएगी। फिलहाल प्रथम चरण में तालाब की पूरी तरह से साफ सफाई की जा रही है और इस सफाई व्यवस्था को और तेजी देने के निर्देश महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त ने अधिकारियों को दिए हैं। देखिए, आज माननीय महापौर और आयुक्त महोदय जो है वो अपने अधिकारियों के साथ में जो आर्किटेक्ट थे उनके साथ में जो प्लानिंग तैयार करनी है तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर, तालाब के डेवलपमेंट को लेकर, उसके बारे में जो है वहाँ पे चर्चा की गई। और तालाब जो होगा ये बड़ा भव्य रूप से विकसित होगा, इसका सौंदर्यीकरण जो होगा वो अलग ही एक स्वरूप इसमें जो है नज़र आएगा इस रामनगर तालाब में। चूँकि 21 एकड़ क्षेत्रफल में लगभग जो ये फैला हुआ तालाब है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक पार्ट में पानी भरा हुआ है और दूसरे पार्ट में डबरीनुमा जो तालाब है उस पे दोनों एरिया को देखते हुए जो प्लानिंग करनी है स्थल वाइज में उसको लेके जो इंजीनियर्स थे उनके साथ में प्लानिंग तैयारी की जा रही है और इसी को लेके जो है रामनगर मुक्ति धाम के पास का जो तालाब है उसका निरीक्षण माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय ने अपने संयुक्त विजिट में किया है आज प्रातः। और इसी परिप्रेक्ष्य में जल्द ही इसको मूर्त रूप देने के लिए विभागीय प्रक्रिया जो है उस पर अमल किया जाना है, उसके लिए भी माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय ने अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किए। रायपुर के बूढ़ा तालाब और कटोरा तालाब की तर्ज पर रामनगर का मुक्तिधाम तालाब भी विकसित किया जा रहा है, जो विकसित हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ का सर्व सुविधा युक्त और सबसे ज्यादा खूबसूरत तालाब बनने की दिशा में अग्रसर हो चला है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।